प्यारे नबी, कल बात रुकी थी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ ज़ाहरी तौर पे 25 बरस हो चुकी, और अब जो है हज़रत ख़तियतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का किरदार शुरू हो रहा है। वैसे तो ज़ाहिर रहती दुनिया तक अज़ल से लेके अब तक आपका किरदार है, और मैं तो एक जुमला अदा करना चाहता हूँ इब्तिदा में साहब कि जहाँ दीन की इमारत में सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का खून, मुबारक खून शामिल है, उनकी कुर्बानियाँ शामिल हैं, वहाँ हज़रत ख़तियतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का अगर माल शामिल ना होता, ये मोहसिना इस्लाम है नाज़रीन, तो दीन की इमारत इतनी मजबूत तरीन हमें नज़र नहीं आती। नाज़रीन कराम, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 25 साल हुई तो आपकी अमानत और सदाकत का चर्चा दूर दूर तक पहुँच चुका था। हज़रत ख़तियतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्के की एक बहुत ही मालदार औरत थी, उनके शौहर का इंतकाल हो चुका था, उनको ज़रूरत थी कि कोई ईमानदार आदमी मिल जाए तो उसके साथ अपनी तिजारत का माल और सामान मुल्क के शाम भेजना शुरू करें, चूंकि आप एक्सपोर्टर थी। चुनाचे उनकी नज़र इंतखाब उस काम के लिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतखब किया और पैगाम भेजा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा माल तिजारत लेकर मुल्क के शाम जाएं, जो मुआवजा मैं दूसरों को देती हूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और दयानतदारी की बिना पर मैं आपको उससे दुगना मुआवजा पेश करूंगी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दरख्वास्त को मंजूर कर लिया और तिजारत का माल और सामान लेकर मुल्क के शाम की तरफ आप रवाना हो गए। इस सफर में नाज़रीन हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने एक मुतमिद गुलाम मैसरा को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना कर दिया ताकि वो आपकी खिदमत करता रहे। यहाँ पे मैं एक जुमला अदा करना चाहता हूँ साहब, और ये अल्लामा साहब आपकी इजाज़त अगर हो, जब आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना तो फिर बराबरी की बुनियाद पर करते हैं, फिर वो जाने उसका काम जाने, आपने नफा देना है ना साहब, अब उन्होंने मेहनत करनी है जो भी काम करना है। यहां निगाहे हजरत ख़तियतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला ने ये भी देख रही थी कि मैं आम शख्सियत से मैं एग्रीमेंट नहीं कर रही, खास हैं, तिजारत तो अपनी जगह है, खिदमत के लिए मैसरा को भी साथ भेजा जाना चाहिए ताकि खिदमत भी साथ साथ होती रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क शाम के मशहूर शहर बसरा के बाजार में पहुंचे तो वहां नस्तूरा राहिब की खानका के करीब में ठहरे। नस्तूरा मैसरा को नाज़रीन बहुत पहले से जानता था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सूरत जाहिर है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सरकार तो जहां तशरीफ ले जाते थे लोग चेहरा अकदस से पहचान लिया करते थे कि क्या है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत को देखते ही नस्तूरा मैसरा के पास आया और दरियाफ्त किया कि ए मैसरा, ये कौन शख्स हैं जो इस दरख्त के नीचे तशरीफ फरमा है। मैसरा ने जवाब दिया कि ये मक्के के रहने वाले हैं और खानदान बनू हाशिम के चश्म चराग हैं, इनका नाम नामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लकब अमीन है। नस्तूरा ने कहा कि सिवाय नबी के इस दरख्त के नीचे आज तक कोई नहीं उतरा, इसलिए मुझे यकीन कामिल है कि नबी आखिर जमा यही हैं, क्योंकि आखिरी नबी की तमाम तर निशानियां जो मैंने तौरात और इंजील में पढ़ी हैं वो सब मैं इनमें इस वक्त देख रहा हूं। काश काश मैं उस वक्त जिंदा रहता जब ये अपनी नबुवत का ऐलान करेंगे, तो मैं इनकी भरपूर मदद करता और पूरी जान निसारी के साथ इनकी खिदमत गुजारी में अपनी तमाम उम्र को सर्फ कर देता। आए मैसरा, मैं तुमको नसीहत और वसीयत करता हूं कि खबरदार खबरदार, एक लम्हे के लिए भी तुम उनसे जुदा ना होना और इंतहाई खुलूस और अकीदत के साथ उनकी खिदमत करते रहना, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको खातिम नबीन होने का शरफ अता फरमाया है। हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाज़रीन बसरा के बाजार में बहुत जल्द तिजारत का माल फरोख्त करके मक्का मुकर्रमा वापस आ गए। वापसी में जब आपका काफिला शहर मक्का में दाखिल होने लगा तो हजरत ख़दीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक बाला खाने में बैठी हुई थी, काफिले की आमद का इंतजार कर रही थी और काफिले को देख रही थी। जब उनकी नजर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, है ऐसे नहीं बुनत हो रही साहब, अल्लामा साहब, असद भाई, डॉक्टर साहब, ऐसे बुनत नहीं हो रही है, ये सब अल्लाह ताला दिलों में डाल रहा है। बीबी सैयदा ख़दीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का कैसे मालूम था कि सरकार का काफिला आने वाला है? कुदरत चाहती थी कि आप ये भी देख लें कि मेरे रसूल जब वापस लाते हैं तो किस जलवे में और किस अंदाज से और किस शान से आते हैं। जब उनकी नजर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो उन्हें एक ऐसा मंजर नजर आया कि दो फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अकदस पर धूप से साया किए हुए हैं।
हजरत खदीजत अल-कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के कल्ब पर इस नूरानी मंजर का एक खास असर हुआ नाजरीन, और वो फरत अकीदत से इंतहाई वालेहाना मोहब्बत के साथ ये हसीन जलवे को मुस्तकिल तकती रही कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने हसीन इस जलवे में नजर आ रहे हैं। फिर अपने गुलाम मैसरा से उन्होंने कई दिन के बाद इसका जिक्र किया तो मैसरा ने बताया कि मैं तो पूरे सफर में यही मंजर देखता रहा, पूरे सफर में आपने तो अब देखा, मैं तो पूरे सफर में ये मंजर देखता रहा हूं। इसके अलावा मैंने बहुत सी अजीबो गरीब सी बातों का मुशाहिदा भी किया है। फिर मैसरा ने नस्तूरा राहिब की गुफ्तगू और उसकी अकीदत और मोहब्बत का तस्करा भी मुकम्मल तौर पर आपके सामने रख दिया। ये सुनकर हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को आपसे बेपनाह कल्बी ताल्लुक और बेहद अकीदत और मोहब्बत हो गई, और यहाँ तक कि इनका दिल झुक गया कि इन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह की रगबत हो गई। हजरत बीबी खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा नाज़रीन माल और दौलत के साथ इंतहाई शरीफ और इफ्फत माप खातून थी। अहले मक्का उनकी पाक दामनी और पारसाई की वजह से उनको ताहिरा और पाक बास कहा करते थे। उनकी उम्र 40 बरस हो चुकी थी। पहले उनका निकाह अबू हाला बिन जरारा तमीमी से हुआ और इनके दो लड़के हिंद बिन अबू हाला और हाला बिन अबू हाला पैदा हो चुके थे। और यहाँ पे मैं एक जुमला अदा करना चाहता हूँ नाजरीन, कल भी मैंने ये बात कही थी कि वाहिद आप खातून थी जो मलिकतुल तुजार कहलाती थी, मलिकतुल अरब कहलाती थी। यानी आप सोचिए, आज जो ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी की बात होती है, अरब से बड़ी डोमिनेंसी मेल्स की थी नहीं कहीं। यानी आप फारस चले जाइए, आप जनाब हिंदुस्तान चले जाइए, आप जनाब रोम चले जाइए, लेकिन जो डोमिनेंट सोसाइटी मेल डोमिनेंसी अरब के अंदर थी नाजरीन, बड़ी मुख्तलिफ थी। वहां पर ये तसव्वुरात नहीं थे, लेकिन एक खातून थी जिनका नाम हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा था, वो उस वक्त टॉप एक्सपोर्टर थी। सारे एक्सपोर्टर्स की एक्सपोर्ट एक तरफ थी, उनकी इम्पोर्ट एक तरफ थी, और मेरी आपकी माँ हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट एक तरफ थी। फिर नाजरीन हुआ यह कि अबू हाला के इंतकाल के बाद हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने दूसरा निकाह अतीक बिन आबिद मखज़ूमी से किया। इनसे भी दो औलाद हुई, एक लड़का अब्दुल्ला बिन अतीक और एक लड़की हिंद बिन बिनते अतीक थी। हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के दूसरे शोहर अतीक का भी इंतकाल हो चुका था। बड़े बड़े सरदारान कुरैश उनके साथ अगद निकाह के ख्वाहिशमंद थे नाजरीन, लेकिन उन्होंने सब पैगामों को मुकम्मल तौर पर ठुकरा दिया। भाई ठुकराती क्यों नहीं, कुदरत की बुनत तो कुछ और थी ना, क्योंकि कुदरत तो उनको उम्मत की माँ बनाना चाहती है, कुदरत तो उनको काशाने नबुवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लाना चाहती है, कुदरत तो उनको बुनियादी तौर पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी बनाना चाहती है, गमखार बनाना चाहती हैं, और उनकी कुर्बानियों को रहती दुनिया तक हम जैसे गुनाहगारों की जुबानें, मतलब यूं समझ लीजिए कि गंदी जुबानों के जरिए से बयान करवा के हमारी रिफतों का सामान बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला करवाना चाहता था। मगर नाज़रीन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगंबराना अखलाक व आदात को देखकर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैरत अंगेज़ हालात को सुनकर यहाँ तक कि उनके दिल आपकी तरफ मुकम्मल तौर पे माइल हो गया कि खुद ब खुद इनके कल्ब में आपसे निकाह की रगबत पैदा हो गई। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हजरत सफिया रजी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाया, जो उनके भाई अवाम बिन खुवैलद की बीवी थी। उनसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ जाती हालात के बारे में मजीद मालूमात की। फिर नफीसा को, अच्छा ये जो नफीसा है इनका बड़ा किरदार है, मैं भी आपको बताता हूँ। नफीसा बिनत उमैया के जरिए खुद ही हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास निकाह का पैगाम भेज दिया। नाज़रीन कराम, मशहूर इमाम सीरत मोहम्मद बिन इसहाक ने लिखा है कि इस रिश्ते को पसंद करने की जो वजह हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान की है, वो खुद उनके अल्फाज में ये है, यानी मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे अखलाक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई की वजह से आपको पसंद किया। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिश्ते को अपने चचा अबू तालिब और ख़ानदान के दूसरे बड़े बूढ़ों के सामने पेश कर दिया। देखें ये डेकोरम्स हैं, ये जो बातें मैं कर रहा हूं ना, एक एक जुमला नाज़रीन आप यकीन मानिए, अगर वक्त होता मैं बयान कर करके आपको बताता खोल खोल के कि इसमें हिकमतें क्या क्या हैं। आज औलादें अल्लामा साहब वालिदैन को स्किप करती हैं, कौन सा बाप और कौन सी मां। यहां देखें बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का किरदार और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार कि जब रिश्ता आया तो सबसे पहले अपने बड़ों के सामने इस रिश्ते को आपने पेश किया। भला हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा जैसी पाक दामन शरीफ खातून अक्लमंद और मालदार औरत से शादी करने को कौन ना कहता नाजरीन।
सारे खानदान वालों ने नहायत खुशी के साथ इस रिश्ते को मंजूर कर लिया और निकाह की तारीख मुकर्रर हुई। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु और अबू तालिब जनाब अबू तालिब वगैरह अपने चचाओं और खानदान के दूसरे अफराद और शुरफाए बनी हाशिम और सरदाराने मजर को अपनी बारात में लेकर हजरत बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के मकान पर तशरीफ ले गए और निकाह हुआ। इस निकाह के वक्त नाज़रीन जनाब अबू तालिब ने निहायत ही फसीह और बलीग खुतबा इरशाद फरमाया। इस खुतबे से बहुत अच्छी तरह इस बात का अंदाजा हो जाता है कि ऐलान नबूवत से पहले आपके खानदानी बड़े बूढ़ों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कैसा ख्याल था और आपके अखलाक आदात ने उन लोगों पर क्या कुछ असर डाला था। गर्ज हजरत बीबी खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हो गया और हुजूर महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना मईशत अजवाजी जिंदगी के साथ आबाद हो गया। हजरत बीबी खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला अन्हा तकरीबन 25 बरस तक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पर रहीं और उनकी जिंदगी में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दूसरा निकाह नहीं फरमाया। बहुत प्यार फरमाते थे, बहुत प्यार फरमाते, हर लम्हा हर वक्त हर पल आपकी ज़ुबान अक़दस पे हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का तस्करा रहता था। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फर्जन हज़रत इब्राहिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिवा बाकी आपकी तमाम औलाद हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के बतन से ही पैदा हुई। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी सारी दौलत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दमैन शरीफ़ैन पे कुर्बान कर दी और अपनी तमाम उम्र हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करती रहीं, अपनी जान उन पर निसार करती रहीं। यहाँ तक कि नाज़रीन शेबी अबी तालिब का वाक़या हुआ। 3 बरस की महसूरी थी और उसमें उस वक्त हमारी आपकी माँ सलामुल्लाह अलैहा इस दुनिया से ज़ाहरी तौर पर तशरीफ़ ले गई और उस साल को जनाब अबू तालिब और जनाब बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के पर्दा फरमाने की वजह से सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गमों का साल यानी आमुल हुज़्न करार दिया। कल यहीं से इंशाअल्लाह सिलसिले को जोड़ूंगा अगर ज़िंदगी रही तो। इजाज़त दीजिए इस दुआ इस उम्मीद इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला आपका हमारा हम सब का हामी नासिर। अल्लाह